और साथ ही साथ गाइस मैं देख रहा हूँ कि मैंने अभी एक वोकैबुलरी सीरीज स्टार्ट की थी जिसको मैंने बंद नहीं किया है, अभी रोका हुआ है कुछ दिनों के लिए। तो काफ़ी बच्चों के मैसेज मेरे पास लगातार आ रहे हैं कि सर आपने बंद क्यों कर दी है, उसको शुरू कर दीजिएगा। लेकिन जब हम लोग शुरू कर देते हैं तो फिर उस हिसाब से व्यूज़ उस पर नहीं आ रहे थे। तो सपोर्ट रखें अपना आप बच्चों, कोई भी सीरीज़ बंद नहीं होगी अगर आप लोगों का सपोर्ट जारी रहेगा तो। आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें, और एक बहुत छोटा सा काम जो आपको करना होता है बच्चों, लाइक करने का। इससे मुझे पता चलता है कि कितने लोगों को पसंद आ रही है ये सीरीज। बंद तो नहीं कहूँगा बच्चों मैं सीरीज को, मैंने क्यों स्टॉप करी वोकैबुलरी सीरीज। अभी मैं कुछ ही दिनों पहले अपनी एक वोकैबुलरी सीरीज वीडियो देख रहा था अपने दूसरे फ़ोन से, तो उस वीडियो पर एक भी लाइक नहीं था। व्यूज़ 100 थे और लाइक एक नहीं था, इसका मतलब आप लोगों को सीरीज़ पसंद नहीं आ रही है। तो मैंने उसी दिन निर्णय लिया कि इस वीडियो को हम और नहीं बनाएंगे, मुझे लग रहा था कि आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है। लेकिन अब फिर से आपके मैसेज आ रहे हैं, देख करके लग रहा है कि आप लोगों को उसकी ज़रूरत है, तो कम से कम एक लाइक किया करें। आज का ही क्लोट टेस्ट हम लोग पहले पढ़ लेंगे, जानकारी ले लेंगे क्लोट टेस्ट के बारे में कि ये किस मुद्दे पर बात कर रहा है, कहानी प्रेजेंट में चल रही है या पास्ट में चल रही है, फिर हम लोग इस क्लोट टेस्ट को शुरू करते हैं। कह रहा है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड डैश थ्रेट टू ह्यूमन सर्वाइवल। जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है ये ग्लोबल प्रॉब्लम है एंड डैश थ्रेट टू ह्यूमन सर्वाइवल। तो सर्वाइवल मतलब संघर्ष, ये ह्यूमंस के लिए जो यानी कि जो मानव प्रजाति है, जो हम लोग हैं, आप लोग हैं, संघर्ष में हो रहा है जीवन, इसमें जीना। चलिए, द कॉज ऑफ पोल्यूशन आर क्वाइट डैश सच एज कंटामिनेशन ऑफ वाटर, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट, एमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस इटीसी। तो कह रहा है कि जो कारण है पोल्यूशन का वो है आपका कंटामिनेशन ऑफ वाटर, ये जो वाटर में हम प्रदूषण फैला रहे हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट, जो पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, एमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, ये टॉक्सिक गैसेज जो हैं इनको उत्सर्जन हो रहा है, यानी कि जो हानिकारक गैसें हैं, जहरीली गैसें जो हैं उनका उत्सर्जन हो रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं इसके कारण हैं। ड्यू टू डैश फैक्टर्स द फ्लोरा एंड फौना आर एडवर्सली अफेक्टेड। तो इन्हीं फैक्टर की वजह से जो है हमारे पेड़ पौधे और जीव जंतु अफेक्टेड हो रहे हैं। एंड अवेयरनेस टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट इज एवरीबडीज डैश ड्यूटी एंड वी शुड कलेक्टिवली कम फॉरवर्ड फॉर दिस नोबल कैंपेन। तो हमें एक जागरूकता फैलानी होगी अपने एनवायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए, जिसके लिए हम सबको आगे आना होगा, ये हम सबका ड्यूटी है और हमें चाहिए कि हम लोग कलेक्टिवली मिलकर के इसको काम करें। देखिए, कोई भी एक व्यक्ति दुनिया नहीं बदल सकता है, लेकिन अगर चार लोग मिले तो दुनिया बदली जा सकती है। गवर्नमेंट इज टेकिंग स्ट्रॉन्ग डैश टू चेक द मीनेस ऑफ पॉल्यूशन। तो गवर्नमेंट जो है एक स्ट्रॉन्ग डैश ले रही है इस चीज़ को रोकने के लिए। अब गैस हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्लोट टेस्ट को पढ़ने के बाद में कि कहानी हमारी प्रतिदिन चल रही है, मुझे इस दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, आर नज़र आ रहा है, इज नज़र आ रहा है, आर नज़र आ रहा है। तो गैस इससे ये क्लियर हो रहा है कि आपकी स्टोरी चल रही है प्रेजेंट में। तो काफ़ी हद तक अगर कोई वर्ड इस तरह का आएगा तो हम लोग काफ़ी हद तक वहाँ से खेल जाएंगे। दूसरी बात, कहानी है हमारी पोल्यूशन को लेकर के उसके ऊपर। तो गैस शुरू करते हैं। कह रहा है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड डैश। अब गैस मैंने आपको हमेशा ये बात बताई है अपने ग्रामर के दौरान भी, जब मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ और क्लोट टेस्ट के दौरान भी, कि जब हमारा सेंटेंस इन तीन कंजक्शन से जुड़ा हो, एंड बट और, तो दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहता है। अब जरा आप यहाँ पे गौर करें तो एंड से पहले आपका आर्टिकल है, फिर एक एडजेक्टिव, फिर एक आपका नाउन। तो गैस यहाँ पर भी आपका डैश आर्टिकल इससे पहले आना चाहिए था। सो एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड अ थ्रेट, एंड अ थ्रेट। तो गैस यहाँ पर हमारा अ सेवन्थ का सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था। सम आपका यहाँ पे नहीं आ सकता, दा भी नहीं आएगा और एन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि थ्रेट आपका वाउस से शुरू होने वाला वर्ड नहीं है। क्लियर है गाइस? तो पहले यानी कि सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका सी करेक्ट। द कोज ऑफ पोल्यूशन आर क्वाइट डैश। तो जो कोज है, कारण है, वो क्वाइट डैश है। अब क्वाइट क्या है बच्चों, क्वाइट को जानते हैं जरा। पहला है क्वाइट इनफ, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ी सी भी गलती आपको लेकर डूब सकती है। क्वाइट इनफ मतलब पर्याप्त, क्वाइट इनफ का मतलब होता है बच्चों पर्याप्त, जो इसका कारण है वो पर्याप्त है, ये कहना चाह रहा है। अगला है क्वाइट प्लेंटी। तो बच्चों यहाँ पे बता दूँ मैं आपको, इनफ और प्लेंटी इनकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का ही मतलब है सेम,
और मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी दो वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हों तो उन्हें सबसे पहले रेस से बाहर कर देना है। सबसे पहले उन्हीं को रेस से बाहर करें, फिर आगे आप कहानी को बढ़ाएं। चलिए अभी अगले ऑप्शन चलते हैं, अगले पेचो बच्चों के। मैनी न्यूमरस, मैनी मतलब कई, न्यूमरस मतलब असंख्य। तो गैस जो इसके कारण हैं, जो रीज़न हैं, द कोज ऑफ प्रॉब्लम आर क्वाइट मैनी या फिर क्वाइट न्यूमरस। तो गैस क्वाइट जो है आपका वो एक काउंटेबल वर्ड नहीं है, तो यहाँ पर मैनी से पहले इसका इस्तेमाल आप लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्वाइट मैनी का इस्तेमाल करना हो जाएगा गलत, आप क्वाइट न्यूमरस कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू डैश फैक्टर, अब बच्चों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ड्यू टू डैश फैक्टर्स, बच्चों ड्यू टू आया और उसके बाद में आपने लगाया, उसने लगाया आपका फैक्टर्स। तो गैस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये प्लूरल नाउन है, क्या आपका ये प्लूरल नाउन है फैक्टर्स, तो हमें उसी को देखते हुए फैसला लेना होगा। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ड्यू टू दिस और दैट आपके नहीं आ सकते क्योंकि दोनों सिंगुलर के साथ चलते हैं, सिंगुलर नाउन से पहले ये आपके आया करते हैं। दिस इज माई पेन, दैट इज योर, तो इज एम आर लगा रहे हैं, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, दैट बॉय इज हैंडसम, तो इस तरह से आप लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, तो ये भी दोनों नहीं आएंगे आपके, ये कन्फर्म है। अब गैस आपका आना है प्लूरल। दूसरी बात यहाँ पे, अब दोज और दीज में से आपको एक को फैसला लेना होगा। अब मैं आपको बता दूँ गैस कि दोज का इस्तेमाल जनरली हम लोग पास्ट टेंस की फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे आपका दोज भी नहीं आएगा, आपका यहाँ पे खुले रूप में डी इसका आंसर हो जाएगा दीज। ड्यू टू दीज फैक्टर्स द फ्लोरा एंड फ्यूना, फ्लोरा एंड फ्यूना मतलब पेड़ पौधे एवं जीव जंतु आर एडवर्सली अफेक्टेड, तो वो अफेक्टेड हो रहे हैं। एंड अवेयरनेस टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट इज एवरीबडीज डैश, तो हमारे जो है प्रत्येक की डैश है, एवरीबडीज डैश, आगे ड्यूटी आया हुआ है, अब देखना क्या आना है। एवरीबडीज पायस मतलब पवित्र धार्मिक, एवरीबडीज अर्जेंट बिल्कुल बिल्कुल जरूरी बिल्कुल, मॉरल मतलब नैतिक, मॉरल मतलब नैतिक, तो गैस ये हम सबके एक नैतिक ड्यूटी है, क्या है हमारी ये नैतिक ड्यूटी है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। पवित्र मतलब धार्मिक से तो कोई मतलब इसका नहीं है, लेकिन ये हमारी एक नैतिक ड्यूटी है कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को, अपने आसपास को, अपने समाज को, अपने आप भी अच्छा रहें, तो ये हमारी नैतिक ड्यूटी बनती है। तो यहाँ पे गैस आपका आ जाएगा मॉरल ड्यूटी। एंड वी शुड कलेक्टिवली कम फॉरवर्ड फॉर दिस नोबल कैंपेन, गवर्नमेंट इज टेकिंग स्ट्रॉन्ग डैश, अब गैस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डैश टू मेजर द मीनेस ऑफ पॉल्यूशन, तो गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर डैश ले रही है। प्रोग्राम्स अटैम्प्ट एंटी सीमेंट्स और मेजर्स, तो गैस यहाँ पे आपका प्रॉपरली अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो है, तो गवर्नमेंट इज टेकिंग स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम्स, तो बच्चों प्रोग्राम तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अटैम्प्ट कौन होता है कोशिशें, तो ये भी आपका नहीं आएगा। आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पे एंटीसीमेंट मतलब लालच देना, तो बच्चों लालच का तो यहाँ पे कोई मतलब बैठता ही नहीं है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बैठता है मेजर्स, एम ई ए एस यू आर एस, तो यानी कि कड़े कदम उठाना, क्या उठाना कड़े कदम उठाना, इज टेकिंग स्ट्रॉन्ग मेजर्स, यस। तो यहाँ पे आप एक्शन भी लगा सकते थे अगर ऑप्शन में होता तो, स्ट्रॉन्ग एक्शन तब भी चल सकता था, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो मेजर्स आप लगाएंगे फिलहाल यहाँ पे, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा डी पूरी तरह से करेक्ट। ओके गाइस, तो ये था आपका आज का क्लोट टेस्ट, अभी फिलहाल 5 मार्क्स के क्लोट टेस्ट आ रहे हैं सेट पेपर में, तो मैं 5 मार्क्स वाले ही करा रहा हूँ, थोड़ा बहुत समय निकाल करके आपके लिए बहुत मुश्किल से। फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। तो गाइस ये रहा आपके सामने क्लोट टेस्ट, और बहुत सारे बच्चों की, एक नहीं बहुत सारे बच्चों की समस्या ये है कि वो क्लोट टेस्ट सोल्व नहीं कर पाते हैं, क्लोट टेस्ट को रीड नहीं कर पाते हैं, दे डोंट नो हाउ टू रीड क्लोट टेस्ट एंड हाउ टू सोल्व क्लोट टेस्ट, दे डोंट हैव द ट्रिक्स टू सोल्व द क्लोट टेस्ट, एंड आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट द ट्रिक्स एंड मेथड ऑफ क्लोट टेस्ट मेनी टाइम्स इन माई वीडियोज, यू कैन वॉच ऑल द रूल्स रिलेटेड टू क्लोट टेस्ट इन द प्ले लिस्ट, गो टू द प्ले लिस्ट एंड वॉच फर्स्ट 3 वीडियोज फॉर द रूल्स ऑफ क्लोट टेस्ट। तो गैस यहां पर भी मैं आपको विद ट्रिक विद रूल्स आपको पढ़ाने वाला हूं, पूरा क्लोट टेस्ट का ये वीडियो देखेगा और फिर फैसला लीजिएगा आपको कैसा लगा बच्चों क्लोट टेस्ट, तरीका सीखेगा। आप लोगों को भी एग्जाम में यही करना होगा फॉलो, समय बहुत अच्छा खासा मिलता है 2 घंटे, अगर आप लोग टेक्निकली काम करें तो बहुत आराम से आप नंबर गेन कर सकते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं अपनी कहानी को, पहले हम लोग क्लोट टेस्ट को पूरा पढ़ लेंगे जिससे कि आपको ये जानकारी मिल जाए कि क्लोट टेस्ट आपका प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में,
और कोलोटस है किस टॉपिक पर। एडवर्टाइजिंग इज द प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एडवर्टाइजिंग जो है प्रमोशन है सामान का और सर्विसेज का। इट प्रोवाइड्स एंड डैश टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू सेल देयर डैश बेटर देन देयर कंपटीटर्स। तो ये प्रोवाइड करता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अपने प्रोडक्ट को सेल करने में किसी भी कंपनी से ज़्यादा, जो आपके कंपटीटर हैं खासकर जो मार्केट में खड़े हुए हैं। एवरी टाइम वी स्विच डैश द टेलीविजन वी फाइंड सम प्रोडक्ट और द अदर डैश पुश टूवर्ड्स। जब कभी भी हम लोग टेलीविज़न ऑन करते हैं या आजकल तो मोबाइल भी, आजकल तो मोबाइल पर आप जब वीडियो भी देखते हैं किसी की तब भी एकदम से शुरुआत होता है ऐड किसी भी कंपनी का, तो ये एक प्रचार है बच्चों जो कि आपकी नज़रों के सामने बार 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 आकर के आपको आकर्षित करता है और आपके दिमाग में उसकी एक इमेज तैयार हो जाती है। इस गैस बार बार जब आप वॉशिंग पाउडर निरमा, जब आप निरमा 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 देखेंगे तो आपके दिमाग में निरमा का एक डिजाइन तैयार हो जाता है। अब आप बाजार में जाकर सर्फ का नाम सिर्फ निरमा ही मांगेंगे। इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट द डैश बिहाइंड कमर्शियल एडवर्टाइजिंग इज टू इंक्रीज सेल्स एंड अर्न मोर प्रॉफिट। तो आप इस बात से भी नहीं मुकर सकते कि ये जो एडवर्टीजमेंट है इससे आपकी सेल और मोर प्रॉफिट इंक्रीज होता है। बच्चों एड का अपना एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है जैसा कि आप लोग जानते हैं। सो गाइस यहाँ आप लोगों से मैं अगर बात करूँ तो क्लोटेस आपका एडवर्टाइजिंग के ऊपर है, सेल्स के ऊपर है, अपनी ग्रोथ के ऊपर है और कहानी हमारी चल रही है प्रेजेंट में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा इज। यस गाइस आपको दिखाई दे रहा है स्विच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन नॉट। यस गाइस ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं जिससे ये क्लियर हो रहा है कि हमारी स्टोरी चल रही है प्रेजेंट में। अब हम लोग प्रेजेंट के हिसाब से ही सोचने वाले हैं। यस गाइस हम लोग वही इज एम आर हैज एव डू डस डिड सॉरी डिड सो कह रहा हूँ इनके बारे में बात करने वाले हैं। अब जैसे कि मैं आप लोग बात करूँ अपने पहले फिल इन द ब्लैंक्स की, कह रहा है कि एडवर्टाइजिंग इज द प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एडवर्टाइजिंग एक प्रमोशन है गुड्स और सर्विसेज का। इट प्रोवाइड्स एन डैश, अब बच्चों इट प्रोवाइड्स एन ओकेजन, ये आपको एक ओकेजन प्रोवाइड करता है। बच्चों ओकेजन यानी कि कोई अवसर, लेकिन एड से कोई अवसर आपको नहीं मिलने वाला है। यस तो ये कोई ओकेजन नहीं है, कोई त्यौहारी सीजन नहीं है, तो ये आपके लिए नहीं रहेगा। एक्सक्यूज मतलब बहाना, बच्चों एडवर्टीजमेंट कोई बहाना नहीं है तो ये भी आपके लिए नहीं रहेगा। इवेंट यानी कि कोई घटना जो कि आपके लिए नहीं रहेगा, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। क्या बच्चों ये एक अपॉर्चुनिटी है, जिसने जितने अच्छे से जितने प्रभावशाली तरीके से ऐड बनाया और उसने अपना काम कर लिया। आपने आजकल टीवी पे एक ऐड देखा होगा बढ़ चला। यस ये बहुत ही प्यारा ऐड बनाया उन्होंने बढ़ चला, शायद एयरटेल का ये ऐड है और बहुत अच्छे से उन्होंने ऐड को बनाया है। उन्होंने भावुकता के साथ बनाया लोगों को, कहीं भी उन्होंने अपने प्रोडक्ट का नाम नहीं लिया है, सिर्फ उन्होंने अपने काम को किया है, लोगों को भावुक किया है। कुछ ब्लाइंड्स बच्चे जो कि कॉल करते हैं अपना टीवी ठीक करवाने के लिए और वो टीवी ठीक करना आता है उनका और वो किस कंपनी से है, फिर उसका लास्ट में ऐड दिया गया बस। तो गैस इसी तरह से ऐड आपको आकर्षित करते हैं। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू सेल देयर डैश टू सेल देयर। अब जो कंपनीज जो है आपकी कोई भी कंपनी है वो क्या सेल करती है अपने प्रोडक्ट को, किसको बच्चों प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट जिस भी कंपनी बनता है उसको सेल करने के लिए भी वो अपना ऐड बनाते हैं और उस ऐड के माध्यम से हम लोग उस प्रोडक्ट को मार्केट में ढूंढते हैं। यस गाइस तो यहाँ पर आ जाएगा इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू सेल देयर प्रोडक्ट बेटर देन देयर कंपटीटर्स, अपने कंपटीटर से किसी से भी ज़्यादा। एवरी टाइम वी स्विच डैश, जब भी कभी हम स्विच करते हैं डैश टेलीविजन को वी फाइंड सम प्रोडक्ट और द अदर डैश। तो बच्चों जब भी आप कभी स्विच करते हैं बच्चों टेलीविज़न को हम क्या करते हैं स्विच ऑन या ऑफ, स्विच एट और स्विच इन आपका यहाँ पर नहीं आएगा, या तो स्विच ऑन या फिर स्विच ऑफ। जब आप टीवी ऑन करते हैं तब आपको ऐड दिखाई देता है या जब टीवी ऑफ करते हैं तब आपको ऐड दिखाई देता है। तो बच्चों जब हम लोग टीवी ऑन करते हैं तब हमें ऐड दिखाई देता है ये कहना चाह रहा है। तो बच्चों कह रहा है कि व्हेन एवरी टाइम वी स्विच ऑन द टेलीविज़न, यानी कि जब कभी भी हम लोग स्विच ऑन करते हैं टेलीविज़न का, ये कहना चाह रहा है बच्चों। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्विच ऑन द टेलीविज़न, यानी कि नाइन्थ का आंसर आपको हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। वी फाइंड सम प्रोडक्ट और द अदर डैश, वी फाइंड सम प्रोडक्ट और द अदर डैश, अब यहाँ पे अदर क्या है टू बी बी बीन या बीइंग। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वी फाइंड हम लोग पाते हैं सम प्रोडक्ट और द अदर डैश। अब बच्चों यहाँ पर आपको
एक एज ए सब्जेक्ट आपको लगाना है, अदर डैश पुश्ड टुवर्ड अस। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे लगाएं टू बी पुश्ड टुवर्ड अस, तो यहाँ पर उससे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि टू आपका वर्ब से वर्ब को कनेक्टिविटी के लिए लगता है, जो कि इससे पहले कोई वर्ब आपकी नहीं है, तो ये आपका नहीं आएगा। बी सिंगल वे में यहाँ पे नहीं आ सकता, आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो आपका नहीं आएगा। बीन नहीं आएगा, यहाँ ओनली आपका आएगा बीइंग। क्या आएगा बच्चों आपका यहाँ पे? बीइंग टूवर्ड्स अस, यानी कि वो चीज़ जो आपकी तरफ बढ़ी आ रही है, जो आपको प्रदान की जा रही है, जो आपको ऑफर की जा रही है, जो आपको दिखाई जा रही है। तो गाइस यहाँ पे बीइंग पुश्ड टूवर्ड अस, इट कैन नॉट बी डिनाइड, इस बात से डिनाई नहीं किया सकता दैट कि द डैश बिहाइंड कमर्शियल द इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रभाव, द इमोशन भावनाएं, द मोटिव यानी कि जिनका उद्देश्य होता है, इरादा होता है, और बच्चों फीलिंग यानी कि आपका फीलिंग जो आपकी करने की क्षमता होती है वो, तो बच्चों जो उनका मोटिव होता है मेन, इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट द मोटिव बिहाइंड कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, जो उनका मोटिव है कमर्शियल एडवर्टाइजिंग के पीछे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्शन को, अपनी सेल्स पावर को इंक्रीज करना है। इस गैस तो आप इस बात से नहीं मुकर सकते। तो ये था आपका आज का क्लोट टेस्ट, जिसके आंसर को एक बार फिर से देख लीजिएगा। पहले में लगा आपका अपॉर्चुनिटी, दूसरे में लगा आपका प्रोडक्ट, तीसरे में लगा आपका ओन, फोर्थ में लगा आपका डी, और उससे अगले में लगा आपका सी इलेवंथ में। तो ये थे आपका क्लोट टेस्ट, और फटाफट से लाइक करके आगे बढ़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा क्लोट टेस्ट भी आपके लिए आ रहा है बहुत जल्द, लेकिन अगर मुझे दिखा आपके लाइक की संख्या बहुत ज़्यादा, यस गाइस आपको भी अब सपोर्ट करना होगा अगर कुछ मुझसे लेना है तो। फटाफट से लग जाइए, एक दूसरे के सपोर्ट से काम चलेगा, आप मुझे, मैं आपको। गाइस कुछ नहीं होता है लाइक से, बस एक थोड़ा हौसला बढ़ता है कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, वरना आप लोग देख रहे हैं इतना ही काफ़ी है। यस बस थोड़ा सा हौसला मिलता है। फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। गाइस क्लोट टेस्ट है आपका आज, इसको पहले एक बार रीड कर लेते हैं पूरा, जिससे कि आपको ये जानकारी मिल जाए कि दिया गया क्लोट टेस्ट आपका किस बेस पे जा रहा है और कहानी का टॉपिक क्या है। स्टोरी हमारी प्रेजेंट में चल रही है, पास्ट में चल रही है, और कहानी किस बेस पर है, ये सब चीज़ जानकारी ले लेते हैं और फिर हम लोग अपनी कहानी को शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि देयर आर सर्टेन स्फीयर्स ऑफ वंस लाइफ इन विच वन शुड गो बाय वंस ओन डैश रादर देन फॉलो अनदर काउंसिल। तो कह रहे हैं कि हर किसी की लाइफ में जो है सर्टेन स्फीयर्स आते हैं, इन विच वन शुड गो वंस बाय ओन डैश रादर देन फॉलो अनदर काउंसिल, यानी कि जिसमें आपको खुद से अपने निर्णय लेने होते हैं, ना कि किसी दूसरे के चॉइसेस से, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। द चॉइस डैश वन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज वन सच स्फीयर्स, जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैंने अपनी खुद की, अपना खुद का ही मेरा स्फीयर है, मेरी खुद की चॉइस थी, किसी के दबाव में, किसी के कहने पर ये काम नहीं किया गया है। अलग इंटरेस्ट आपका हर किसी का होता है, उसी तरह से ही डैश वन इज़ जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट, तो बिल्कुल आप उसी तरह से जेन्युइनली यानी कि बिल्कुल सच्चे तरीके से उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्टेड हो जाते हैं। वन डैश नेवर ऑप्ट फॉर इट, इंडिया इज ऑलरेडी फुल ऑफ डैश पैक्स इन राउंड होल्स हु आर अनफिट फॉर देयर रोल्स एंड आर डूइंग मोर हार्म देन गुड। तो कह रहा है कि इंडिया इज ऑलरेडी फुल ऑफ डैश पैक्स इन राउंड, तो डैश पैक्स इन राउंड यहाँ पर डैश से पता चला गया, यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा, ये एक idiom होता है बच्चों, पूरा idiom आपको बता दूँ, स्क्वायर पैग इन राउंड होल, स्क्वायर पैग इन राउंड होल, ये रहा आपका आगे होल, तो ये पूरा एक idiom होता है बच्चों, जिसका मतलब होता है मतलब बेमेल, अगर एक राउंड होल में आप स्क्वायर पैग डालेंगे तो वो उसके अंदर नहीं आएगा, इसलिए इसको कहा गया है बेमेल। तो गैस ये कहानी है एक चॉइस पर आधारित आपकी, जरा फटाफट से देख लें कि स्टोरी प्रेजेंट में है या पास्ट में है, जैसे कि यहाँ पे आर दिखाई दे रहा है आपको, तो कहानी लगभग प्रेजेंट में ही दौड़ती हुई नज़र आ रही है, बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे रहे होंगे आर इज इज इज, तो यानी कि कहानी तो हमारी प्रेजेंट में चल रही है, बस अब हमें इनको फॉलो करना होगा। अब जरा गाइस देखते हैं हम इसमें आए हुए ऑप्शंस को, कह रहे हैं कि देयर आर सर्टेन स्फीयर्स ऑफ वंस लाइफ इन विच वन शुड गो बाय वंस ओन डैश। अब हमें ऑप्शंस पे पहले निगाह रखनी होगी, ऑप्शन क्या हैं।
ओवन चॉइस, ओवन ऑप्शन, ओवन पॉसिबिलिटी या ओवन अल्टरनेटिव्स। तो गैस अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ एक वर्ड आपको नज़र आ रहा है, वो है चॉइस। देखिए पैसेज को पहले पढ़ना क्यों ज़रूरी है, जिससे कि आपको आगे का भी पता चल जाए कि आगे क्या चल रहा है। इसलिए पहले आप रीड कर लीजिएगा पूरा। जल्दबाजी में आपसे गलती होगी, फ़ायदा कुछ नहीं है, आप वैसे छोड़ के आएंगे, फ़ायदा कुछ नहीं है। कोशिश करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स इसमें आ सकते हैं। यस गैस, तो यहाँ पे देखिए चॉइस आ रहा है। तो यहाँ पे देयर आर सर्टेन स्फीयर ऑफ वंस लाइफ इन विच वन शुड गो बाय वंस ओवन चॉइस, जिसको आपको अपनी खुद की चॉइस से, यानी कि उसको आपकी खुद की चॉइस है, अंग्रेजी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, या आपकी खुद की चॉइस से उसको डिसीजन लेना होता है, रदर देन फॉलो अनदर्स काउंसिल, किसी और की चॉइस से आपको काम नहीं करने हैं। काउंसिल का मतलब यहाँ पे बच्चों सलाह से, एक तरह से। आगे बढ़ते हैं। द चॉइस डैश वन सब्जेक्ट, द चॉइस डैश वन सब्जेक्ट, द चॉइस एट बिटवीन ऑफ एमंग। तो गैस यहाँ पे बिटवीन और अमंग कम से कम नहीं आएगा, ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि बिटवीन आता है दो के लिए और अमंग आता है मोर देन टू, तो ये दोनों आपके नहीं आएंगे किसी भी तरह से, क्योंकि सेंटेंस में कोई इस तरह की भावना नज़र नहीं आ रही है कि यहाँ पे बात दो की हो रही है, दो से ज़्यादा की। द चॉइस डैश वंस सब्जेक्ट, तो गैस यहाँ पे द चॉइस ऑफ आपका प्रॉपर बैठ सकता है, क्योंकि एट भी यहाँ पे नहीं आएगा। द चॉइस ऑफ वंस सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑफ, द चॉइस ऑफ। क्लियर बच्चों? द चॉइस ऑफ वंस सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज वन सच स्फीयर। यस, आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास हैं। कह रहे कि डैश वन इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट, वन डैश नेवर ऑप्ट फॉर इट। अब आपको डिसीजन लेना होगा यहाँ पे पढ़ करके कि क्या प्रॉपर आंसर हो सकता है। बच्चों ऑप्शन हमारे पास में है, इवन इफ, अनलेस, ऑल दो और सिंस। बच्चों ऑल दो जो वर्ड है हमारा, ये विरोधाभास के लिए लगता है, जब सेंटेंस में कोई विरोधाभास नजर आ रहा हो। यस, जैसे कि आप कह सकते हैं ऑल दो ही इज पुअर यट ही इज रिच, सॉरी ही इज ऑनेस्ट, भले ही वो गरीब है लेकिन वह ईमानदार है, तो ये विरोधाभास नजर आ रहा है। और यहाँ पे इवन उफ, इवन इफ, बावजूद जिसके, सिंस भी एज ए कंजक्शन काम करता है, लेकिन एक सेंटेंस परफेक्ट में हो और एक तरफ पास्ट में हो, अनलेस आपका कंडीशनल रूप में काम करता है। अनलेस वन इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट, जब तक कोई व्यक्ति बिल्कुल ईमानदारी से, सच्चाई से किसी सब्जेक्ट पर इंटरेस्टेड नहीं होगा, वन डैश नेवर ऑप्ट फॉर इट, वन डैश नेवर ऑप्ट फॉर इट, वन शुड नेवर। बच्चों जब बात नैतिकता की हो तो हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं, कुड का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा, कुड पास्ट की एबिलिटी के लगता है, ऑट के साथ में टू ज़रूर चाहिए, इसलिए ऑट नहीं आएगा और वुड भी आपका यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं शुड। तो गैस क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये पूरा हो जाएगा आपका क्लियरली यहाँ पे जो हमारा वर्ड है, अनलेस वन इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट, वन शुड नेवर ऑप्ट फॉर इट। यानी कि जब तक आप जेन्युइनली एक सब्जेक्ट को इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तब तक आपको उसे ऑप्ट नहीं करना चाहिए। ऑप्ट मतलब बच्चों चुनने से है। यहाँ पे इंडिया इज ऑलरेडी फुल ऑफ डैश, बच्चों ये एक एडियम है पूरा का पूरा, स्क्वायर पैक इन अ राउंड होल। तो यहाँ तो मैं इसका आंसर ऑप्शन दे के बिना ही लगा सकता हूँ। इतनी तैयारी आप भी करके जाएं घर से बच्चों, आप लोग जब इडियम्स वगैरह पढ़ लेंगे तो आपके बहुत सारे इडियम्स याद भी हो जाएंगे, और कुछ ऐसे भी इडियम्स होंगे जो बार बार रिपीट भी होंगे गाइस, तो ऐसे ही इडियम्स आपके भी काम आएंगे। अब जैसे कि इंडिया इज ऑलरेडी फुल ऑफ डैश, अब मैं ऑप्शन देखूँ तो यहाँ मुझे मिल ही जाएगा, लार्ज बिल्कुल नहीं बच्चों, स्मॉल बिल्कुल नहीं, इसका एक इडियम है आपका पूरा, ये इडियम है बच्चों स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, यानी कि बेमेल। आपको सोचिए एक पैग है, खुंटी है स्क्वायर, जो कि राउंड होल में डालनी है, जो कि नहीं जाएगी। तो गैस ये आपका हो जाएगा क्लियर यहाँ पे स्क्वायर इसका आंसर, यानी कि 11th का हो जाएगा आपका बी करेक्ट। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें थी, क्योंकि ऑप्शन पीछे थे और क्लोटस आगे, पहले में हमने लगाया चॉइस जो कि हमें आगे से ही मिल गया था, दूसरे में हमारा आया ऑफ, तीसरे में अनलेस, ये शुड, और अगले में स्क्वायर। ये था आपका आज का क्लोट टेस्ट। और बच्चों पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा, आप प्लेलिस्ट पर जाइएगा, पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, और वीडियोस हमने अब बहुत सारी आपकी बढ़ा दी हैं, इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो मैं बच्चों से कहूँगा कि आप लोग भी लापरवाही ना करें,
सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको वीडियोस का पता चल जाए कौन सी किस समय पर आ रही है। यस गाइस, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं कल सुबह कुछ नई वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। तो गाइस, अब तक जितने भी क्लोट टेस्ट मैंने आपको करवाए हैं उन सब में सबसे इजी क्लोट टेस्ट है आज का, बहुत आसान सा क्लोट टेस्ट आज का उसने दिया है आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत आराम से ये समझ में आ जाएगा, लेकिन हमेशा की ही तरह हम लोग आज भी पहले क्लोट टेस्ट को रीड करेंगे। जैसे कि कल आपको जब मैं क्लोट टेस्ट करवा रहा था तो उसमें एक बहुत बड़ा फायदा देखने को मिला कि हमने क्लोट टेस्ट पढ़ लिया था तो दो ऑप्शन हमारे आगे वाले ऑप्शन से मैच हो गए थे, यानी कि आगे जो उसने क्लोट टेस्ट में वर्ड यूज़ कर रखा था वो हमारे दो ऑप्शन में थे। तो ये होता है गाइस पहले पढ़ने का फ़ायदा अगर आप लोग कोशिश करें तो। गाइस यहाँ पर कह रहा है द मार्टर ऑफ शाह डॉल इज ऑल्सो कॉल्ड द रशियन नेस्टिंग डॉल। तो गाइस एक कोई मार्टरक्षा डॉल है जो कि कहलाती है रशियन नेस्टिंग डॉल भी। बच्चों, इट इज़ अ सेट डैश वुडन डॉल्स डिक्रीजिंग इन साइज। ये एक वुडन डॉल्स में होती है, डिक्रीजिंग इन साइज यानी कि साइज में घटते क्रम में, एंड डैश इन साइड वन अनदर, और एक दूसरे के ये अंदर आपकी हुआ करती है। यहाँ पे मतलब जैसे भी उन्होंने करा इसको डोल को, डोल तो हमने नहीं देखी है, इसकी जो कहानी बोल रही है उसको देख रहे हैं हम लोग। द फर्स्ट सच सेट डैश इन 1890, जो ऐसी जो फर्स्ट सेट हुई थी वो हुई थी 1890 में। द फिगर इन साइड मे बी ऑफ डैश जेंडर, द स्मॉलेस्ट डोल इज द बेबी मेड फ्रॉम डैश सिंगल पीस ऑफ वुड। तो गाइस किसी डोल की कहानी के ऊपर बात हो रही है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइस वो है आपकी किस स्टोरी चल रही है, इज़ यानी कि प्रेजेंट में। किस में चल रही है बच्चों कहानी हमारी, ये प्रेजेंट में, पूरी कहानी आपकी प्रेजेंट में दौड़ रही है। तो आपको भी दिमाग अपना उसी तरह से सेट करके चलना होगा कि स्टोरी को प्रेजेंट में बनाएं या फिर पास्ट में बनाएं, कितना कुछ हिस्सा आपको ध्यान रखना होगा। तो फिलहाल गाइस अब लोग चलते हैं हम लोग अपने इस ऑप्शन की तरफ। कह रहा है कि द मार्टर ऑफ शाह डोल इज ऑल्सो कॉल्ड द रशियन नेस्टिंग डोल। इसको रशियन नेस्टिंग डोल भी बोलते हैं गाइस, नेस्ट बोलते हैं घोंसले को, तो रशियन नेस्टिंग डोल भी बोलते हैं। इट इज़ अ सेट डैश वुडन। तो गाइस यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है कि इट इज़ अ सेट ऑफ, तो गाइस सेट ऑफ आपका हुआ करता है, इट इज़ अ सेट ऑफ यानी कि पूरा सेट है वुडन डोल का, सेट है ऑफ वुडन डोल यानी कि वुडन डोल का। जब का की के की आपको आवाज़ आ रही हो तो आप लोग ऑफ का इस्तेमाल किया करते हैं। यहाँ पर भी हमने सेट ऑफ का इस्तेमाल किया है का के की आवाज़ के लिए। इट इज़ अ सेट ऑफ वुडन डोल्स डिक्रीजिंग इन साइज एंड डैश। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ बताना है कि क्या एक प्रॉपर ऑप्शन रहेगा। एंड डैश सिचुएटेड इन साइड वन अनदर, सिचुएटेड का मतलब होता है बच्चों किसी बिल्डिंग वगैरह का किसी स्थान पर सिचुएटेड होना, यानी कि जब उसको बनाया गया था डेट के साथ याद रखना उसे बोलते हैं सिचुएटेड। अगला है ऑक्यूपाइड। गाइस ऑक्यूपाइड यानी कि जब कोई चीज़ स्थान घेरती हो उसे ऑक्यूपाइड बोलते हैं। लोकेटेड मतलब किसी चीज़ का किसी लोकेशन पर स्थित होना उसे बोलते हैं लोकेटेड। जैसे कि आपका हरियाणा जो है इधर की तरफ लोकेटेड है यानी कि पंजाब की तरफ, तो आप लोग नॉर्थ की तरफ भी बता सकते हैं इसको, इस तरह से आप लोकेटेड बोलते हैं। प्लेस यहाँ पर प्रॉपर ऑप्शन रहेगा। इट इज़ अ सेट ऑफ वुडन डोल्स डिक्रीजिंग इन साइज एंड प्लेस्ड इन साइड वन अनदर। तो गाइस यहाँ इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। द फर्स्ट सच सेट तो ये सबसे पहली बार जो सेट हुई थी डैश इन 1890 नाइन्थ में। अब देखते हैं बच्चों नाइन्थ में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, उसी के हिसाब से आप लोग लेके चलेंगे। अब यहाँ पे बच्चों क्या कहना चाह रहा है, ये देखिए आपको उसने लगाया इन प्लस टाइम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब भी किसी सेंटेंस के आखिरी में लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे और इन प्लस पास्ट टाइम आ जाए, इन प्लस पास्ट टाइम हो, जैसे कि यहां पर दिया गया है इन प्लस पास्ट टाइम, ध्यान देना लास्ट, एगो, प्रीवियस, यस्टरडे और इन प्लस पास्ट टाइम,
तो सेंटेंस बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट इनडेफिनेट में। आपको सेंटेंस लेकर चलना होगा पास्ट में, तो पास्ट के मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये तो इज मेड हो जाएगा, ये बात ख़राब हो जाएगी, और ये हैज़ हो जाएगा, ये भी काम ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर बनता है मेड और वॉज मेड, तो द फर्स्ट सच सेट डैश इन 1890। अब गाइस यहाँ पे कह रहा है कि इस तरह का जो पहला सेट था वो 1890 में बनकर तैयार हुआ था। अब गाइस बात हो रही है डॉल की, यानी कि नॉन लिविंग चीज़ की। बच्चों जब भी कोई सेंटेंस आपका नॉन लिविंग से स्टार्ट हो तो आप लोग उस सेंटेंस को पैसिव बनाएंगे, ना कि एक्टिव, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग वर्क अपने आप से नहीं हो सकता। मैं आपसे कहने लगूँ कि कल यहाँ खीर बांटी जाएगी, तो खीर बच्चों अपने आप नहीं बटेगी, उसको बांटना ही पड़ेगा, तो द खीर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर टू मैरो। तो यहाँ पर सेंटेंस आपका ऑलरेडी पैसिव बनेगा। स्कूल 1 जुलाई को खोला जाएगा, द स्कूल विल बी ओपन ऑन 1 जुलाई, क्योंकि स्कूल खुद नहीं खुल सकता, उसको खोला ही जाएगा किसी के द्वारा। तो इस तरह से गाइस यहाँ सेंटेंस पैसिव बनेगा, यानी कि सेंटेंस हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है बच्चों बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। द फिगर इनसाइड मे बी ऑफ डैश जेंडर, ऑफ डैश जेंडर, ऑफ सम जेंडर, ऑफ एवरी जेंडर, ऑफ आइदर जेंडर, ऑफ नैदर जेंडर। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि द फिगर इनसाइड मे बी ऑफ डैश जेंडर। अब गाइस आप खुद फैसला लीजिएगा कि जेंडर कितने तरह के होते हैं। गाइस जेंडर 2 तरह के होते हैं, मेल और फीमेल। और जब बात 2 लोगों की हो रही हो तो 2 लोगों के लिए हम लोग या तो इस्तेमाल करते हैं आइदर का या फिर नैदर का। एवरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी बात, सेंटेंस की भावना हमारी नेगेटिव में बनाने की नहीं है। कह रहे हैं कि द फिगर इनसाइड मे बी ऑफ आइदर जेंडर, यानी कि किसी भी एक जेंडर में वो हो सकती है, या तो मेल या फिर फीमेल। आइदर का इस्तेमाल करने का मतलब यहाँ पे यही था, या तो मेल या फिर फीमेल। द स्मॉलेस्ट डॉल इज द बेबी मेड फ्रॉम डैश सिंगल पीस ऑफ वुड, मेड फ्रॉम डैश सिंगल पीस ऑफ वुड, मेड फ्रॉम डैश मेड फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ वुड। बच्चों अ पीस ऑफ आपका होता है बच्चों अ पीस ऑफ, तो बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा अ पीस ऑफ, ईच नहीं आएगा, एन की तो खैर जुड़ती नहीं है, सिंगल है, वाउल ही नहीं आएगा यहाँ पे, तो गैस यहाँ पे दा भी नहीं आएगा। आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बी करेक्ट, मतलब ए आर्टिकल और बी इसका ऑप्शन। चलिए फिलहाल गैस एक बार फटाफट से आंसर देख लीजिएगा किसका क्या आंसर था। अगर बात करूँ पहले ऑप्शन की, तो पहले का ऑफ आंसर था, दूसरे का प्लेस्ड, तीसरे का वॉज मेड, चौथे का आपका सी आइदर, और 11th नंबर का यानी कि बी ओ। तो गैस कैसा लगा आपको क्लोट टेस्ट? और मैं गैस आपको पहले ही बोल चुका हूँ, अगर आपको कोई भी क्लोट टेस्ट में कोई भी रूल लग रहा है कि हाँ ये बड़ा अच्छा समझाया है, तो एक अलग से नोटबुक बनाइएगा, उस नोटबुक में आप रूल्स को कॉपी कीजिएगा, जिससे कि आपके आने वाले समय में भी ये रूल्स काम आ जाए। यस गैस ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप लोग पढ़े, मतलब अब दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े, दोबारा एक क्लोट टेस्ट वीडियो ना देखनी पड़े, थोड़ा समय लगता है वीडियो देखने में, लेकिन आप अभी ले लें जो भी समय लेना है, बस एग्ज़ाम टाइम पे आप सिर्फ अपनी नोटबुक से पढ़ें और कुछ ना करें, क्योंकि उस समय इतना समय नहीं होगा कि आप सभी वीडियोस को रिवाइज कर सकें। ओके गाइस, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। सो ये रहा बच्चों आपका क्लोट टेस्ट, ये आपका सेट 16 2019 में आया हुआ क्लोट टेस्ट है, फ्रॉम एमबी बुक, यानी कि एमबी बुक से ही आपने इसको पढ़ा होगा। अगर आपने पिछले साल एग्ज़ाम दिए होंगे सीजल के, तो आपने इसको डेफिनेटली पढ़ा होगा। अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप इसे वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो गैस मैं करवा रहा हूँ इसको आज क्लोट टेस्ट को सोल्व, हमेशा की तरह ही पहले हम लोग क्लोट टेस्ट को पूरा रीड करेंगे, जानकारी लेंगे कि क्लोट टेस्ट किस बारे में है, दूसरी बात कि क्लोट टेस्ट प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में। कह रहे हैं कि टूरिज्म कैन कोज सोशल कल्चरल एंड एनवायरमेंटल डिसरप्शन। तो बच्चों बात हो रही है यहाँ पे टूरिज्म की। यस टूरिज्म यानी कि आपका ये जो यातायात वगैरह होता है उसकी बात हो रही है, और कैन से भी चल रहा है कि स्टोरी हमारी अभी तक पास्ट में चल रही है। कह रहे हैं कि टूरिज्म कैन कोज सोशल कल्चरल एंड एनवायरमेंटल डिसरप्शन, यानी कि डिस्ट्रप्शन मतलब बच्चों विघटन तोड़ना इन सब चीज़ों के लिए। द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज दैट
डैमेज टू एनवायरनमेंट जो सबसे बड़ा सा कंसर्न है, चिंता का विषय है, वो है कि ये डैमेज टू एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को ये नुकसान पहुंचा रहा है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए डैश रिजॉर्ट्स आर बिल्ट विच टेक नेदर द लोकल आर्किटेक्चर डैश द इकोलॉजी इनटू कंसिडरेशन। तो क्या हो रहा है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए रिजॉर्ट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं बड़े से बड़े स्तर पर, तो इससे बच्चों क्या हो रहा है कि पेड़ पौधों वगैरह को नुकसान हो रहा है और बहुत सारे काम। नेचुरल सिस्टम गेट डैश एज अ रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड वाटर डैश वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज अलॉन्ग विद रिक्रिएशनल अरेंजमेंट्स टू टूरिस्ट। तो बच्चों यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि टूरिस्ट जो बढ़ते जा रहे हैं आजकल, लोग जो घूमने जा रहे हैं जगह जगह, क्या नुकसान इसके हो रहे हैं उसके बारे में बात की जा रही है। क्योंकि अंधाधुंध आज लोग आप देख रहे हो बच्चों, कोरोना के दौरान भी अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी मनाली वगैरह की, कितनी भीड़ वहाँ पर थी और कोरोना के दौरान, ड्यूरिंग कोरोना, ये देखिए आप लोग कितना समय लोगों के पास है। तो थर्ड वेव इन्हीं की वजह से आएगी बच्चों, लेकिन फिलहाल हम लोग अपना काम करते हैं और क्लोटे की तरफ दौड़ते हैं। यहाँ पर आपका आ रहा है कैन, यहाँ आपका आ रहा है इज, और यहाँ आपका आ रहा है आर, गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये बहुत सारे पॉइंट मिल गए आपको पता लगाने के लिए कि हमारा क्लोटेस्ट प्रेजेंट में चल रहा है। तो आपको प्रेजेंट में ही सोचना है और पूरा क्लोटेस्ट करना है। चलिए बच्चों देखते हैं, कह रहे हैं कि टूरिज्म कैन कॉज सोशल कल्चरल एंड एनवायरमेंटल डिसरप्शन, यहाँ कुछ नहीं आया है। द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज डैश, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास हैं वन एन द अ। तो गैस अगर यहाँ मुझे आर्टिकल लगाना हो तो मैं यहाँ पर इज द लगाऊंगा, इज वन नहीं लगा सकता, इज एन नहीं लगा सकता, इज अ नहीं लगा सकता। बच्चों जब बात करनी हो हमें आर्टिकल अंग्रेजी में एक के बारे में, तो हम लोग कभी भी वन का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं, हम लोग हमेशा ए या एन का ही इस्तेमाल किया करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं आएगा, आप यहाँ पे इज़ द डैमेज टू एनवायरनमेंट, प्रपोजिशन से पहले आपका कोई नाउन खड़ा है तो आप उससे पहले हमेशा द का इस्तेमाल करेंगे। प्रपोजिशन से पहले अगर कोई आपका नाउन है, ये नाउन ही है बच्चों, तो आप उससे पहले द का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आपका द होगा, यानी कि सेवन का सी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट डैश रिजॉर्ट्स आर डैश स्ट्रेचिंग, फैलाना, बच्चों फैलने को बोलते हैं स्ट्रेचिंग, स्प्राउलिंग बड़े क्षेत्र में फैला हुआ, स्प्रेडिंग का मतलब फैलना ही होता है, और स्कीमिंग मतलब कोई स्कीमिंग जो आपको पता है, यानी कि कोई षड्यंत्र वगैरह कुछ भी षड्यंत्र कार्य। तो गाइस यहाँ पर कह रहा है कि इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट स्प्राउलिंग रिजॉर्ट्स आर बिल्ट, तो बड़े बड़े रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं जो बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में फैले हुए हों। तो जितने बड़े रिजॉर्ट बनाए जाएंगे पहाड़ी एरिया में, तो आप समझो वहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी है उसको ख़त्म किया जा रहा है, सिंपल सी बात है। पेड़ पौधे वगैरह को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़त्म की जा रही हैं, और जब किसी क्षेत्र में ज़्यादातर पब्लिक का निवास हो जाता है, वहाँ से जानवरों की जो है वहाँ से भागना पड़ जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। आर बिल्ट विच टेक नेदर द लोकल आर्किटेक्चर्स डैश, बच्चों यहाँ पे आपका नाइन्थ में आया है नेदर, कह रहा है कि विच टेक नेदर द लोकल आर्किटेक्चर नोर द इकोलॉजी। यहाँ पे आपका सिंपल है कि नोर आना है, जैसे कि आपको पता है कि नेदर और नोर का एक पूरा पेयर है जो साथ चलता है, तो दोनों भाई साथ चलेंगे। ये फ्री के नंबर थे आपके लिए, बिल्कुल एक नंबर फ्री का था, और यही था वो जिससे आप रिस्क ले सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि अगर एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको पता है कि ये बिल्कुल मेरा 100% सही है, उसकी वजह से आप बाकी चार ऑप्शन पर रिस्क लीजिए, अगर भगवान ना कहे वो चारों गलत भी चले गए तो आप ना नुकसान में रहे ना फायदे में, तो ये ना करने से अच्छी वाली स्कीम है। नेचुरल सिस्टम गेट डैश, तो जो नेचुरल सिस्टम है वो डैश होता है। अब बच्चों डिसमे, निराश होना, डिस्ट्रैक्ट होना, ऑप्शन आगे भी हैं, डिस्प्ले या डिस्ट्रॉयड, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा डिस्ट्रॉयड। जो नेचुरल सिस्टम है
वो डिस्ट्रॉयड होता है। गेट के बाद हमेशा आने वाली वर्ब थर्ड फॉर्म में आया करती है। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है, नेचुरल सिस्टम गेट डिस्ट्रॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब अंधाधुंध जो कंस्ट्रक्शन चल रही है। टू प्रोवाइड वाटर डैश बट एज ऑल्सो एंड टू प्रोवाइड वाटर एंड वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज अलोंग विद द रिक्रिएशनल अरेंजमेंट टू टूरिस्ट। रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन संबंधी। तो गैस लोगों को वाटर फैसिलिटीज एंड वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज मिल रही हैं, जो मतलब जिसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बंदा वहाँ पर यह काम करने नहीं जा रहा है, बंदा वहाँ पर शांति के लिए जा रहा है। पहले इन स्थानों पर लोग बाग शांति के लिए जाया करते थे, क्योंकि प्रकृति है, बस आप जाइए और वहाँ पर आराम से शांति से एंजॉय कीजिए। लेकिन अभी लोगों ने इसका भी प्रारूप बदल दिया है, यहाँ भी भागदौड़ भरी ज़िंदगी और वहाँ पर भी भागदौड़ भरी ज़िंदगी। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, अब इसको आप सिर्फ लिख ही सकते हैं, समझा किसी को नहीं सकते। तो ये था आपका आज का क्लोज टेस्ट और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये अब कुछ ही क्लोज टेस्ट रह गए हैं बच्चों, थोड़े से ज़्यादा नहीं रह गए हैं, बस इनके फिनिश होने के बाद में हम लोग आपको फिर वोकैबुलरी बेस्ड क्लोज टेस्ट कराएंगे बहुत जल्दी। अगर मैं बात करूँ कि कब, तो मुश्किल से सिर्फ 5 और 1 वीक बाद बस, यानी कि समझ लीजिए, यानी कि आफ्टर 1 वीक समझ लीजिए आप लोग। और अभी आपके एग्ज़ाम तक बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं बहुत अच्छे से प्लानिंग के साथ तैयारी करा दूँगा आपकी। क्लोज टेस्ट में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बस आप लोगों का काम है सपोर्ट करना, फुल्ली सपोर्ट करना, और वो आप कर रहे हैं और करते रहेंगे। फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। ये रहा आपके सामने क्लोज टेस्ट, और मैं कहूँगा कि सबसे पहले क्लोज टेस्ट को पूरा का पूरा रीड आउट कर लेंगे, जिससे कि आपको जानकारी मिल जाए क्लोज टेस्ट किस मुद्दे पर है और प्रेजेंट में है या पास्ट में है। कह रहे हैं कि इन अ वे एडल्ट एजुकेशन इज एन एजुकेशनल मूवमेंट थ्रू द मीडियम डैश। तो एडल्ट एजुकेशन जो है एक एजुकेशनल मूवमेंट है, यानी कि एक शिक्षा का आंदोलन है थ्रू द मीडियम डैश विलेज स्कूल। तो बच्चों ये थ्रू द मीडियम डैश विलेज स्कूल, यानी कि मीडियम स्कूल है ये, सॉरी एक मीडियम है, थ्रू द मीडियम स्कूल, मीडियम डैश स्कूल। तो थ्रू यानी कि किसी के द्वारा हो रहा है, माध्यम से, डैश स्कूल से, अब किसके स्कूल के द्वारा हो रहा है ये तो देखा जाएगा अभी ऑप्शन से ही। इन द बिगिनिंग द डैश वर सस्पिशियस, तो शुरुआत में जो डैश थे वो सस्पिशियस थे, मतलब संदेह में थे। इट वॉज हार्ड टू परस्यूएड डैश टू रियलाइज that they were really getting something dash the school. They were not all the sure at all sure that they wanted their dash to leave their homes. अब गैस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कहानी की, तो कहानी चल रही है हमारी एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, उसकी क्रांति को लेकर के, उसके मूवमेंट को लेकर के। और दूसरी बात, कहानी जो चल रही है हमारी चल रही है लगभग लगभग पास्ट में, काफ़ी हद तक, क्योंकि बात हो रही है कब ये सब चीज़ें जारी हुई थी तब की बताई जा रही है। तो यहाँ से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है पास्ट के बारे में, तो इसलिए गाइस मैंने आपको ये थोड़ा सा सावधान किया है। तो बी अटेंटिव, अब आप लोग इसी सोच के साथ में आगे बढ़ेंगे कहानी को लेकर के। अब ज़रा देखते हैं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन उसने क्या रखा आपके सामने। इन अ वे एडल्ट एजुकेशन इज एन एजुकेशनल मूवमेंट थ्रू द मीडियम डैश, थ्रू द मीडियम डैश। बच्चों यहाँ पे वैसे तो कन्फर्म है थ्रू द मीडियम ऑफ विलेज स्कूल, तो बच्चों यहाँ पे मीडियम के साथ में आपको ऑफ आना है, बिल्कुल फिक्स प्रपोजिशन के साथ में चल रहा है काम। थ्रू द मीडियम फ्रॉम विलेज स्कूल, जी नहीं, फ्रॉम नहीं आएगा। फ्रॉम बच्चों हम लोग आया करते हैं जब कोई खबर आपको किसी पिछले माध्यम के द्वारा मिल रही है, तो आप फ्रॉम लगाया करते हैं। यस कहीं से न्यूज़ आगे आपके पास आ रही है, पीछे से आगे कोई चीज़ आपके सामने आ रही है, तो आप फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। बाय के लिए भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बाय जनरली हम लोग किसी पैसिव भावना के लिए या किसी के द्वारा जब कोई न्यूज़ मिल रही हो तब लगाया करते हैं। और इन तो यहाँ पे इससे लाता नहीं आएगा, बिकॉज इन स्टेबिलिटी के रखता बच्चों, इनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि स्थिरता के भाव के लिए। जब भाव ना आपकी स्थिरता की हो तब हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, वो तो खैर यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर आपका आएगा इन अ वे एडल्ट एजुकेशन इज एन एजुकेशनल मूवमेंट थ्रू द मीडियम ऑफ विलेज स्कूल। यस, तो गाँव के स्कूलों से ही आपका शुरू हुआ। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, द डैश वर्स स्पीशियस, द डैश वर्स स्पीशियस। अब बच्चों देखिए, शुरुआत हुई है इसके विलेज स्कूल से, किससे हुई है बच्चों, विलेज स्कूल से। तो शुरुआत हुई है विलेज स्कूल से, तो कहानी भी नहीं से शुरू होगी। कह रहा है कि इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, द विलेजर्स, गांव वाले, यही तो होगा ना बच्चों, वर्स स्पीशियस,
थोड़े से सस्पिशियस थे वो, संदेहात्मक थे वो। यस गाइस, तो यहाँ पे ये कन्फर्म है कि आपका विलेजर्स ही आएगा, क्योंकि ये नंबर आपको मिला है यहाँ से फ्री में। तो ये एक नंबर आपको यहाँ से फ्री मिल रहा है कि क्योंकि बात हो रही है विलेजर्स विलेज की, तो आपने विलेजर्स लगा दिया, क्योंकि ऑफिसर्स नहीं आने से रहा, चिल्ड्रन आने से नहीं रहा और पॉलिटिशियन आने से नहीं रहा। तो गाइस आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8 का सी। अभी देखिए फ्री के नंबर थे बच्चों, पैसेज को ढंग से पढ़ने का करने चीज़ है आपका। ये कह रहा है कि इट वॉज हार्ड टू परसुएड, बच्चों परसुएड का मतलब होता है किसी को राजी करना। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को राजी कर रहा हूँ, देखिए मैं वोकैबुलरी की वीडियो डाल रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं, और उस पर व्यूज़ कुछ खास नहीं आ रहे, यानी कि मुझे लग रहा कि वो आप लोगों की ज़रूरत की चीज़ है। तो मैंने रात ही मन बनाया कि इसकी जगह मैं कोई और वीडियो शुरू करता हूँ और वोकैबुलरी की सी भी करनी पड़ेगी मुझे ऐसा लग रहा है। तो मतलब लोगों को राजी करना बड़ा मुश्किल काम है। इट वॉज हार्ड टू परसुएड डैश टू रियलाइज दैट दे वर रियली गेटिंग समथिंग। इट वॉज हार्ड टू परसुएड, अब बच्चों यहाँ पे नाइन्थ वाले में आपको लगाना है। तो इट वॉज हार्ड टू परसुएड दे हिम अस देम। अब ज़रा गौर कीजिए बच्चों, परसुएड यहाँ पे एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रही है, क्या आपकी ये वर्ब। अब गाइस वर्ब के बाद मैंने आपको बताया है इन ग्रामर लेट वर्ब और प्रपोजिशन, क्या बच्चों लेट वर्ब और प्रपोजिशन के बाद अगर कहीं प्रोनाउन लगाना हो तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस में होगा। लेट प्रपोजिशन और वर्ब के बाद अगर नाउन लगा, सॉरी प्रोनाउन लगेगा, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में वो नहीं आ सकता। तो यहाँ पर दे नहीं आएगा, दे आपका इससे बाहर हुआ। अब आपका बचता है हिम अस देम, बात हो रही है गांव वालों की, बात हो रही है पास्ट की, तो बात लगाएंगे आप देम की, किसकी बात करेंगे, हिम एक विशेष लोगों के लिए बात हो जाएगी, अस भी ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पर लगाएंगे आप देम। आप कहेंगे इट वॉज हार्ड टू परसुएड देम, उनको राजी करना बहुत मुश्किल था, टू रियलाइज ये एहसास दिलाने के लिए दैट कि दे वर रियली गेटिंग समथिंग डैश द स्कूल, तो मतलब वो कुछ प्राप्त कर रहे हैं स्कूल से। यस बच्चों, तो दे वर रियली गेटिंग समथिंग डैश द स्कूल, उनको रियली स्कूल से कुछ मिल रहा है बच्चों, उनको रियली स्कूल से कुछ मिल रहा है ये कहना चाह रहा है। तो टू का मतलब होता है बच्चों, वैसे हिंदी मीनिंग की बात करूँ तो टू का मतलब होता है को, हिंदी में टू का मतलब होता है को, और हम लोग आगे जाने के अर्थ में टारगेट के लिए, गोल्स के लिए टू का इस्तेमाल करते हैं। शी इन्वाइटेड मी टू डिनर, उसने मुझे डिनर को बुलाया है, गाना आया था ना कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है और इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय को बुलाया है। सो यहाँ पे टू क्या है बच्चों, टू। लेकिन आगे देखिए आपका है अगला फोर, किसी पर्पज के लिए, किसी पर्पज को क्लियर करने के लिए हम लोग फोर का इस्तेमाल क्या करते हैं, फोर नहीं आपका यहाँ पे आएगा। वैसे फोर का मतलब होता है हिंदी में लिए, और अगर एज ए कंजक्शन इस्तेमाल हो रहा है तो क्योंकि भी इसका मीनिंग होता है। अगला है बाय, बाय मतलब द्वारा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्रॉम। कह रहे हैं कि इट वॉज हार्ड टू परसुएड दैम टू रियलाइज दैट दे वर रियली गेटिंग समथिंग फ्रॉम द स्कूल्स, दे वर नॉट एट ऑल श्योर दैट दे वॉन्टेड देयर डैश, दे वॉन्टेड देयर डैश टू लीव देयर होम्स। अब बच्चों यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, दो ऑप्शन हमारे सामने हैं और दो ऑप्शन हमारे सामने नहीं है, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट इतना ही ले पाया मैं। ऑप्शन है आपके सामने पेरेंट्स और टीचर्स, बाकी ऑप्शन हमारे पास विलेजर्स और चिल्ड्रन। जो दो ऑप्शन हमारे पास में हैं वो है विलेजर्स और चिल्ड्रन, ज़रा ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा अपना मेरे साथ में। अब कह रहा है कि दे वर नॉट एट ऑल श्योर, वो श्योर नहीं थे दैट की दे वॉन्टेड देयर डैश। अब बच्चों बात हो रही है गांव वालों की, और बाद में बात हो रही है स्कूल की। अब स्कूल में किसको भेजा जाएगा, बच्चों को, किसको भेजा जाएगा, बच्चों को, तो वो अपने बच्चों के लिए, बच्चों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन, यानी कि देखा जाए तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। ओके गाइस, तो मतलब इतना हार्ड ये कोलोट टेस्ट नहीं है। आप खुद सोचें कि ये सीजीएल में आ रहा है, प्री में जो एक ग्रेजुएशन लेवल पर एग्जाम चल रहा है उस एग्जाम में ही आ रहा है, आपका एग्जाम ट्वेल्थ बेस पर है। यस गाइस, तो मतलब आप इतने मत पैनिक हुआ करें, घबराया करें कि आप क्लोट टेस्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। बाकी मैं आपको सभी तरह के क्लोट टेस्ट कराऊंगा, वो कैबरी बेस कराऊंगा, ग्रामर बेस कराऊंगा, सभी तरह के क्लोट टेस्ट मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। 100 क्लोट टेस्ट सुने हैं बच्चों, अभी तो सिर्फ 21 ही है, बहुत सब कुछ मिलने वाला है। बस ज़रूरत है तो लगातार पढ़ने की, ज़रूरत है तो लगातार मोटिवेट होने की और मोटिवेट करने की। अब जरा फटाफट से अपना अंगूठा उठाओ और लाइक का बटन दबाओ, जल्दी जल्दी जरा देखता हूँ कितने बच्चों ने अभी मेरे कहने पर लाइक दबा दिया है। फटाफट से लाइक कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। फिलहाल चलते हैं आपसे, लेते हैं विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।
पहले बहुत तेजी से आप लोग कूलर टेस्ट को पूरा रीड कर लीजिएगा। कह रहा है कि व्हेन यू एंटर अ रेस्टोरेंट, जब आप रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं, यू टेक योर डैश। चलिए आप अपनी डैश लेते हैं, ये कहना चाह रहा है। एंड यू आर सर्व्ड आपको सर्व किया जाता है ग्लास ऑफ वाटर। यू टेक योर डैश टू डिसाइड व्हाट यू शुड ऑर्डर, तो आप लोग अपना डैश लेते हैं ऑर्डर करने के लिए। व्हेन अ डैश अपीयर्स यू आस्क हिम द रूटीन क्वेश्चन, जब वो आपके सामने आता है तो आप उससे अपना रूटीन क्वेश्चन पूछते हैं। डैश डू यू हैव, के आपके पास क्या है, मुझे लगता है यही पूछा गया होगा। द वेटर विल बिगिन टू रिसाइट, तो वेटर शुरू करता है अपने बताना जो हमारे उसके यहाँ पर है। डेज मेन्यूज जनरली विद नथिंग न्यू इन इट, कुछ भी नया उसके अंदर नहीं होता है। बट यू लाइक टू हियर इट ऑल ओवर अगेन, लेकिन आपको सुनना अच्छा लगता है कि यहाँ पर क्या क्या है। ओके गाइस, तो ये कहानी है आपके रेस्टोरेंट के विजिट करने की, प्रेजेंट में चल रही है पूरी कहानी। आपको बस इस पर थोड़ा सा वर्क करना है, ये चुटकियों में आपका क्लोटेस्ट सोल्व हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, करते हैं वर्क इस पर, जब ऐसी बात है तो, वर्क करने की बात है तो। चलिए बच्चों, क्या कह रहा है उसको समझते हैं बात को। व्हेन यू एंटर अ रेस्टोरेंट यू टेक योर डैश, 7 नंबर पे यू टेक योर प्लेट, बच्चों एंटर करते ही आप प्लेट नहीं लेंगे। यू टेक योर स्टेज वहां पर नहीं होती है भाई। यू टेक योर सीट, अपनी सीट ग्रहण करते हैं और आप शुरू हुई कहानी, काउंटर भी नहीं। तो व्हेन यू एंटर अ रेस्टोरेंट यू टेक योर सीट एंड यू आर सर्व्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, आपको एक पानी का गिलास सर्व किया जाता है। यू टेक योर डैश यू टेक योर पेन यू टेक योर प्लेट प्लेस यू टेक योर टाइम यू टेक योर वॉलेट, तो गैस तो यू टेक योर टाइम, आप लोग थोड़ा समय लेते हैं टू डिसाइड करने के लिए व्हाट यू शुड ऑर्डर। मतलब पेन नहीं, प्लेस नहीं, वॉलेट यानी कि बटवा नहीं, क्या बच्चों आप थोड़ा सा समय लेते हैं डिसाइड करने के लिए कि व्हाट यू शुड ऑर्डर, क्या आपको क्या ऑर्डर करना चाहिए। व्हेन अ डैश अपीयर्स यू आस्क हिम द रूटीन क्वेश्चन, बच्चों होटल में जो आपको खाना सर्व करते हैं उनको बोलते हैं वेटर, क्या बोलते हैं गाइस उनको, वेटर। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए वेटर ही करेक्ट इसका। तो गाइस कह रहा है कि व्हेन अ वेटर, अब यहाँ बड़ी तेजी से वेको बना रहा है भाई अगर देखा जाए तो, खासकर इसी ऑप्शन में ही डी पहले रख दिया उसने, या मुझे लग रहा है ऐसा, देखना जरा गौर करो बच्चों कि डी पहले रखा गया और बी बाद में। सेस सो कह रहा है कि व्हेन अ वेटर, 9th ऑप्शन में आपका आएगा डी करेक्ट, यानी कि अब ये बी ए या डी है समझ लीजिए, जो भी आंसर इसका वेटर है, बस कुल मिला के बात ये है। व्हेन अ वेटर अपीयर्स यू आस्क हिम द रूटीन क्वेश्चन। सो गाइस देख रहे हैं आप लोग, मतलब एक बार हुआ बच्चों, मैं आपको बता दूं क्लोट टेस्ट को लेकर के इस तरह की प्रॉब्लम सामने आई हैं। एक बार क्लोट टेस्ट में क्या हुआ कि ये तो क्लोट टेस्ट सही, लेकिन जैसे कि 7 क्वेश्चन उन्होंने यहाँ रख दिया, 9 यहाँ रख दिया, एकदम से 12 यहाँ रख दिया, यस 5 यहाँ रख दिया, तो आंसर जो है आगे पीछे रख दिए। इससे क्या होता है, बच्चे का दिमाग भ्रमित हुआ कम से कम कुछ परसेंट का, तो उन्होंने जरूर सोचा होगा ऐसा और गलती की भी होगी। तो गाइस आप लोग थोड़ा सावधान रहा करें, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक बार पूरा अच्छे से क्लोट टेस्ट को पढ़ दिया करें, ये लापरवाही ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये मुझे लगता है से जानबूझ के किया गया कोई कार्य है। यहाँ आपका वेटर आएगा, व्हेन अ वेटर अपीयर्स यू आस्क हिम द रूटीन क्वेश्चन व्हाट डू यू हैव, यहाँ पे ये होना चाहिए मेरे राय में, तो बिल्कुल 10th में आपका हो जाएगा व्हाट डू यू हैव, यानी कि आपके पास क्या क्या है, व्हाट डू यू हैव आपके पास क्या क्या है। द वेटर विल बिगिन टू रिसाइट, पूछो रिसाइट का मतलब होता है जपना, बोलना, बताना, तो वेटर शुरू करता है बताना दिस डेज मेन्यूज या फिर अ डेज मेन्यू या फिर एन मेन्यूज या फिर द मेन्यूज, तो बच्चों वेटर शुरू करता है बताना द डेज अ डेज, बच्चों अ लगाऊंगा यहाँ पर दान लगाऊंगा, अ डेज मेन्यू
यानी कि उस दिन का मेन्यू। तो गैस यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी पूरी तरह से करेक्ट, या फिर डी लगाएं, बस डी ही ले दो आप। यस द डेज मेन्यू यानी कि उस दिन का मेन्यू, कुछ विशेष है उस दिन जो भी है उस दिन का पूरा मेन्यू बताता है, तो आप यहाँ पर द लगा दीजिएगा। यस गैस द ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, तो आप द लगाइए यहाँ पे, आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा द। लेकिन गैस इस तरह की दखल अंदाजी से थोड़ा बच कर रहिएगा, यहाँ पे एक नंबर गया था आपके हाथ से, तो इसलिए थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ बार बार। यस गैस तो फिलहाल तो गैस चलते हैं, और देखिए मेरी ही निगाह में गलती थी बच्चों, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर बी ही था वो, ये मैंने ये दो ऑप्शन देख लिए थे गलती से, चलिए कोई बात नहीं हो जाता है। सो गैस ये था आपका आज का क्लोज टेस्ट, बहुत शानदार। अभी जिन बच्चों की शिकायत है कि सर एक दिन में कम से कम दो क्लोज टेस्ट कराइए, 10 नंबर वाला कराइए, ये बहुत जल्दी पूरी होने वाली है बच्चों, क्योंकि अब बड़े सेट आने वाले हैं आपके, अभी तक तो ये प्री के सेट चल रहे थे, अब CPO के आएंगे जो 50 क्वेश्चन वाले होते हैं। यस गैस तो बहुत जल्दी आपकी जो शिकायत थी पूरी होगी, बाकी समय की थोड़ी सी तंगी रहती है बच्चों, इसलिए ऐसा किया जाता है। हाँ अगर आप कहेंगे तो मैं दो क्लोज टेस्ट एक दिन में करा सकता हूँ, शाम को वोकैबुलरी वाली सीरीज बंद की जा सकती है, क्योंकि उसको मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा इंटरेस्ट लेके बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, बाकी आप लोग बता दीजिए कैसा करना है। फिलहाल चलते हैं, लेते आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। सो गाइस ये रहा आपके सामने क्लोज टेस्ट, कह रहा है कि आफ्टर कॉफी हैड बीन सर्व्ड इन डिफरेंट साइज कप्स एंड मग्स द चीफ रोज डैश हिज प्लेस एट द हेड ऑफ द टेबल डैश A speech of welcome dash Aziz translated. His court made a short dash which was applauded even before Aziz had been given the dash to interpret what he had said. So guys, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्लोज टेस्ट की, तो ये कहानी चल रही है आपकी पास्ट में, आज की जो कहानी है, और गैस इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ पास्ट की कहानी से तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाले हैं। अब गैस यहाँ पर आप लोग कहानी को देखते हुए चलेंगे और मेरे साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आप लोग अपना ईजिली ये क्लोज टेस्ट सोल्व कर सकें, और कंटिन्यू सीरीज चल रही है तो आप लोगों को कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। और बाकी इसी तरह से लगे रहिएगा गैस, तो 100% इम्प्रूवमेंट भी आपके अंदर आ जाएगा, आपके अंदर एक दिन स्पीड भी आ जाएगी और आपको एक्यूरेसी भी आ जाएगी। क्लोज टेस्ट कोई छोटा मोटा काम नहीं कि आप एक दिन में सब कुछ सीख जाएंगे, थोड़ा समय लगता है बच्चों किसी भी काम करने में, और वही समय आपका यहाँ लगेगा। लेकिन मैंने एग्ज़ाम की सीरीज बहुत पहले शुरू कर दी थी, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम तक इसका लाभ उठा सके। कह रहे हैं कि आफ्टर कॉफ़ी हैड बीन सर्व्ड इन डिफरेंट साइज कप्स एंड मग्स द चीफ रोज डैश हिज प्लेस, तो बच्चों वो अपने डैश से डैश किया, अब बच्चों यहाँ पर बताना है क्या आपका प्रॉपर आंसर हो सकता है। द चीफ यहाँ पे ये चीफ है या शेफ, इसको देखना होगा। रोज डैश, बच्चों रोज मतलब होता है उठना, राइज का मतलब सेकंड फॉर्म है आपकी राइज की, रोज। अब बच्चों डैश यानी कि उठा, डैश इस प्लेस अपने प्लेस से, तो क्या यहाँ पे आवाज़ आ रही है से की, और वैसे भी यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म हो रहा है कि से यानी कि फ्रॉम इस प्लेस अपने प्लेस से उठा, एट द हेड ऑफ द टेबल डैश अ स्पीच ऑफ वेलकम मेक टू मेक मेक्स या मेड। अब बच्चों यहाँ पे ना तो इसका कोई काम है ना कोई इसका, इन दो में से कोई एक आ सकता है, क्योंकि सेंटेंस चल रहा है हमारा पास्ट में, तो सेकंड होम इसलिए आ सकता है, और टू मेक इसलिए भी को टू के बाद बच्चों हमेशा फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट माया करती है, तो यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो इनमें से कोई एक आप लगा सकते हैं। अब देखना है कि कौन सा आएगा। After coffee had been served in different size cups and mugs, the chief rose from his place at the head of the table to make a speech of welcome, या फिर made a speech of welcome। तो बच्चों यहाँ जो मैं बात करूँ proper answer की, तो मेरी राय में यहाँ पे sentence का proper answer होना चाहिए बच्चों, तो वो to make ज़्यादा better रहेगा only made के मुकाबले। तो guys ध्यान रखें, sentence का answer हो जाएगा टू मेक अ स्पीच ऑफ वेलकम, यानी कि उसने एक स्पीच तैयार की, स्पीच दी, स्पीच ऑफ वेलकम, वेलकम के ऊपर, स्वागत करने के ऊपर लोगों के। चलिए अच्छी बात है गैस। डैश अजीज ट्रांसलेटेड हुम
हु विच व्हाट। अब जो यहाँ पे जो बात हो रही है, बात हो रही है स्पीच की। किसकी बात हो रही है बच्चों? स्पीच की, यानी कि जिसको अजीज ने ट्रांसलेटेड किया। किसको बच्चों? स्पीच को। तो यहाँ आपका सेंटेंस में स्पीच के लिए को रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है बच्चों। जो हमारा हु और हुम है ये सिर्फ और सिर्फ पर्सन यानी कि व्यक्ति के लिए लगा करता है, जबकि स्पीच आपका नॉन लिविंग है। तो ये दोनों आपके नहीं आएंगे, आप या तो लगाएंगे व्हाट या फिर विच। व्हाट आपका लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए लगता है, इसलिए आप इसे भी नहीं लगाएंगे। नॉन लिविंग के लिए स्पेशल वर्ड बना आपका सी यानी कि विच, तो आप यहाँ पे विच लगा सकते हैं। टू मेक अ स्पीच ऑफ वेलकम विच अजीज ट्रांसलेटेड, जिसको अजीज ने ट्रांसलेटेड किया। स्कॉट मेड अ शॉर्ट डैश। अब बच्चों आपको जो है एक स्पीच दी गई है, यस उसके बारे में यहाँ पे कुछ है, उसको पकड़ना होगा बच्चों। बच्चों जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं रिजॉइन जो कि फर्स्ट फॉर्म में, रेस से बाहर, रिप्लाई जो कि फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन बच्चों सारी फर्स्ट फॉर्म में, बस तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म होनी चाहिए अच्छा रहता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म इसलिए है क्योंकि पीछे मेड आ गया, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। बच्चों ये जो मेक है आपका, ये कॉजिटिव वर्ब की तरह काम करता है। मेक, हैव और गेट, ये तीन हमारी हैं कॉजिटिव वर्ब। कॉजिटिव वर्ब का मतलब होता है बच्चों जब कोई काम आप खुद ना करके किसी और से करवाएं, उसे बोलते हैं कॉजिटिव वर्ब। तो बच्चों इनके बाद आने वाली वर्ब की होती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म, और गेट के बाद हमेशा आया करते वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कारण था कि इन चारों को फर्स्ट फॉर्म में रखा गया। अब बच्चों यहाँ पर रिजॉइन का मतलब होता है आनंद लेना, रिप्लाई उत्तर देना, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया देना, और रिटोर्ट मतलब मुँह तोड़ जवाब देना। तो गैस यहाँ पर किसी बात का उत्तर देना था, तो यहाँ पे रिप्लाई तब आता बच्चों जब आस्क किया था, तो आस्क उसने नहीं किया है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया देना अपनी। तो 43 का आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। वैसे तो गैस अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप बी भी लगा सकते हैं। द शेफ रोज फ्रॉम हिज प्लेस एट द हेड ऑफ द टेबल टू मेक अ स्पीच ऑफ वेलकम विच अजीज ट्रांसलेटेड स्कॉट मेड अ शॉर्ट डैश रिप्लाई। बच्चों रिप्लाई लगाइए ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिस्पॉन्ड मत लगाइएगा। इसका आंसर आप लोग लगाइए बी करेक्ट, रिप्लाई विच वॉज अपलाउडेड इवन बिफोर अजीज हैड बिन गिवन द डैश टू इंटरप्रेट वट ही हैड सेड। तो बच्चों नेक्स्ट में देखना क्या आएगा आपका आंसर, उसको देख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी, मोमेंट, चांस या टर्निंग, इनमें से कोई एक देखना है बच्चों आपको, उसको पकड़िएगा। तो यहाँ सेंटेंस में आपका 44 में प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, मोमेंट मतलब क्षण, चांस मतलब मौका, और टर्निंग मतलब बदलना किसी का। तो गैस यहाँ सेंटेंस में 44 सेंटेंस में हमें किसी एक को लगाना है। विच वॉज अपलाउडेड इवन बिफोर अजीज हैड बिन गिवन द चांस टू इंटरप्रेट वट ही हैड सेड। तो गैस यहाँ पे चांस यानी कि मौका आप लोग लगा सकते हैं। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। ओके गैस, तो बड़ा ही डिप्लोमेटिक सा था, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज हुए हम लोग। यहाँ ध्यान रखिए बच्चों कि रिप्लाई ज़्यादा बेटर रहेगा रिस्पॉन्ड के मुकाबले। ओके गैस, तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। चलिए फिलहाल गैस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं कल नए क्लोटे के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। सो ये रहा आपके सामने आपका क्लोटेस, कह रहा है कि सेंट्रल पार्क टावर हैज जस्ट बिकम द टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। सेंट्रल पार्क टावर जो है सबसे लंबी रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन चुके संसार की। ये बच्चों द व्यूज डैश दिस बिल्डिंग आर अमेजिंग, जो व्यूज है इस बिल्डिंग का वो अमेजिंग है। बच्चों व्यूज मतलब ये कहना चाह रहा है दृश्य, यस दृश्य मतलब यहाँ तो यहाँ से खड़े होकर के या फिर इसका दृश्य। द डैश ऑफ अपार्टमेंट्स इन द स्काई स्क्रैपर्स आर डैश एज द स्काई, जो डैश है इसका अपार्टमेंट का वो डैश है। इन द स्काई स्क्रैपर इन दिस स्काई स्क्रैपर्स आर डैश एज द स्काई। द चीपेस्ट अपार्टमेंट डैश एट $6.7, जो सबसे सस्ता इसका अपार्टमेंट है वो है $6.7 का, और जो मिलियंस का ओ मिलियन में बच्चों। एंड द मोस्ट डैश
फाइव बेडरूम अपार्टमेंट कॉस्ट $63 मिलियन, और जो सबसे महंगा है फाइव बेडरूम अपार्टमेंट वो है $63 मिलियन का। सो गाइस ऑप्शन आपके पिछले पेज पर हैं और क्वेश्चन आपके इस पेज पर, थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन होगा इस बार, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी को और कहाँ क्या आ सकता है उसको देख लीजिएगा। पहली बात तो बच्चों ये है कि कहानी लगभग प्रेजेंट में चल रही है आपकी, तो वो चीज़ आपने गौर कर ली होगी, और आगे बढ़ते हैं बच्चों आप अपनी कहानी को लेकर के। सेंट्रल पार्क टावर हैज़ जस्ट बिकम द टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, द व्यूज डैश दिस बिल्डिंग आर अमेजिंग। जो व्यूज है इस बिल्डिंग, आप देखते हैं द व्यूज अबव या द व्यूज अप, द व्यूज फ्रॉम या द व्यूज ऑन, तो गैस यहाँ आपका हो जाएगा द व्यूज फ्रॉम, जो दृश्य है इस बिल्डिंग से, तो इस बिल्डिंग पर जब आप खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग बहुत ऊंची है गैस बच्चों, तो बिल्डिंग पर खड़े होकर के आप कई जगह की फोटो देख सकते हैं, कई जगह का दृश्य देख सकते हैं, तो वो ये कहने जा रहा है बच्चों, तो द व्यूज फ्रॉम दिस बिल्डिंग, जो दृश्य है इस बिल्डिंग से उसकी बात कर रहा है बच्चों, तो यहाँ सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा 13 का फ्रॉम करेक्ट, यहाँ आपका फ्रॉम होना चाहिए करेक्ट। द व्यूज फ्रॉम दिस बिल्डिंग आर अमेजिंग, द डैश ऑफ अपार्टमेंट्स, द डैश ऑफ अपार्टमेंट इन दिस स्काई स्क्रैपर्स आर डैश एज द स्काई, यहाँ देखना होगा द डैश यानी कि द प्राइजेस, द बिल्स, द अमाउंट्स, द वैल्यूज। अब जो यहाँ पर अगर आप बात करें तो बात सारे पैसों वाले की हो रही है, प्राइस यानी कि कीमत, बिल तो बच्चों किसी चीज़ का चुकाया जाता है, अमाउंट यानी कि कीमत, और वैल्यूज़ भी कीमत ही होती है, लेकिन ये वैल्यूज़ दूसरी कीमत में आके जाती है, यानी कि जब किसी चीज़ की आप वैल्यू वैसे नापे, जैसे कि हमारे चैनल की वैल्यू आपके लिए बहुत है क्योंकि आप लोग यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे वाली वैल्यू बच्चों, जैसे पैसों वाली वैल्यू नहीं। तो गैस यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में साथ में हम क्या चाह रहा है कि द प्राइजेज ऑफ अपार्टमेंट्स इन दिस स्काई स्क्रैपर्स आर डैश एज द स्काई, कहना चाह रहा है कि जो प्राइजेस हैं इस बिल्डिंग में वो इतने ऊंचे हैं, इतने ऊंचे इस आसमान, यानी कि आसमान जैसी ऊंची बिल्डिंग है और इतने ऊंचे इसके प्राइस, द प्राइजेस ऑफ अपार्टमेंट्स इन दिस स्काई स्क्रैपर्स आर, तो क्या यहाँ पे प्राइजेस आएगा, अब आगे वाले में आर डैश एज द स्काई। अब बच्चों यहाँ पे एज द स्काई आपको आ रहा है, आपने ये रूल पढ़ा होगा ग्रामर के अंदर, एज और सो एज का, एज और सो एज का, शी इज एज यंग एज आई, वह उतनी जवान है इतना जवान में, तो बच्चों यहाँ पे इससे पहले आपका कोई ना कोई एज प्लस पॉजिटिव डिग्री या फिर सो प्लस पॉजिटिव डिग्री रहा होगा, हालांकि बच्चों सो वाला सेंटेंस हमारा नेगेटिव में चला करता है, तो सो वाला अगर होगा तो भी वैलिड नहीं माना जाएगा, आपका एज प्लस पॉजिटिव डिग्री वाला होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे बात कर रहा है स्काई से, स्काई मतलब आसमान, आसमान की अगर मैं बात करूँ तो आसमान होता है बच्चों बहुत ऊंचा, वो ये कहना चाह रहा है जो प्राइजेस हैं इस बिल्डिंग के वो आसमान जितने ऊंचे हैं, तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो मैं बिना ऑप्शन के भी लगा सकता हूँ यहाँ पर एज हाई एज द स्काई, ये कहना चाह रहा है वो एज हाई एज द स्काई। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल बच्चों यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देख रहे होंगे तो एज हाई ऑप्शन में है, क्योंकि खाली हाई आने से रहा, कंपैरेटिव डिग्री अगर आएगी तो देन होना चाहिए, और सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो इससे पहले द होना चाहिए था, तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए करेक्ट, जिसका आंसर मैंने बिना ऑप्शन देके ही बता दिया था, आप लोग भी बता सकते हैं अगर आप लोग इतना संयम धैर्य के साथ में काम करेंगे तो। यस गाइज 100 क्लोज टेस्ट सीरीज जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी आप देखना आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आ चुका होगा, बल्कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया होगा, आप में से कई बच्चों के मैसेज मुझे आ रहे हैं कि सर काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है बच्चों आपके मैसेज देख करके। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे द प्राइजेस ऑफ द अपार्टमेंट इन दिस स्काई स्क्रैपर्स आर एज हाई एज द स्काई, द चीपेस्ट अपार्टमेंट डैश, द चीपेस्ट अपार्टमेंट डैश स्टार्ट इज स्टार्टिंग। तो बच्चों बात चल रही है प्रेजेंट में, तो आप लोग यहाँ लगाने वाले हैं प्रेजेंट की वर्ब, तो गए यहाँ पे द चीपेस्ट अपार्टमेंट डैश, द चीपेस्ट अपार्टमेंट डैश, बच्चों यहाँ पे आपको एक वर्ब चाहिए सिंगुलर वर्ब। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बच्चों ऑप्शंस की, तो पहला ऑप्शन है हमारा स्टार्ट, अपार्टमेंट यहाँ पे उसने सिंगुलर इस्तेमाल किया है, अपार्टमेंट के लिए आप सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप हमारी PQRS वाली वीडियो देख लीजिएगा जो कल आई थी या परसों आई थी। उसके बाद बच्चों स्टार्टेड का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पास्ट में चला जाए सेंटेंस, स्टार्ट्स मतलब शुरू होता है, इज स्टार्टिंग भी आप नहीं लगाएंगे, शुरू हो रहा है यानी शुरू होता है। तो जो प्राइस है इसका द चीपेस्ट अपार्टमेंट स्टार्ट्स, जो चीपेस्ट अपार्टमेंट है वो स्टार्ट्स होता है एट $6.7 मिलियन से
एंड द मोस्ट डेस, और जो सबसे महंगा रहता है 5 बेडरूम सेट का अपार्टमेंट, उसकी कॉस्ट है $63 million. आपका एक्सट्रीम, इकोनॉमिकल, एक्सपेंसिव और एक्सेसिव. तो भाई गाइस, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि कीमती कीमती चीज़ों की बात हो रही है, तो यहाँ आप लोग एक्सपेंसिव ही लगाएंगे. द मोस्ट एक्सपेंसिव इस गाइस, सबसे ज़्यादा कीमती. तो यहाँ इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सी, करेक्ट. बच्चों इजी लगा होगा आपको, मुझे पक्का पता है, क्योंकि एक तो आपको करते करते समय हो गया काफ़ी मेरे साथ में. जो बच्चे रोजाना कर रहे हैं मेरे साथ में, उन्हें एक आदत सी पड़ गई होगी कि सुबह 8 बजे कोलो टेस्ट की वीडियो आएगी, और मुझे भी आदत सी पड़ गई है. कुछ भी हो, कितना ही बिजी क्यों ना हो, मेरी भी इच्छा रहती है कि आप लोगों के लिए वीडियो लाई जाए, क्योंकि आप लोग इंतजार करते हैं बैठ करके, तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों. लेकिन बच्चों उसी इंतजार के साथ में आप फटाफट से एक लाइक भी कर दिया करें वीडियो को देखते देखते ही, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है लाइक करने में. ओके, तो फिलहाल गाइस आप लोग चलते हैं, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे.